अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने BS और MLS की कंप्लीट कोर्स जो कि CC करिकुलम के मुताबिक शुरू कराई, तो उसका जो पहला सब्जेक्ट था उसमें है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। तो आज इसी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 7 है, जिसका उनवान है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से आपको समझा देंगे। टोटल इसका 7 स्लाइड्स है। पहले स्लाइड्स में कि व्हाट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन्फॉर्मेशन क्या है, ये वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है और वो फैक्टर्स है जो कि प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सचेंज और कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एज ए गुड्स और सर्विसेज इस्तेमाल करना इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन हैज बिकम अवेल्युएबल इकोनॉमिक्स कमोडिटी। आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन बिक जाती है और एक इकोनॉमिक कमोडिटी बन गई। इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस सेक्टर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। आप देख देख ले कि बैंकिंग सेक्टर हो और पैसे की रेल पे लो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया। रिसर्च एंड डिवेलपमेंट पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट लगाई जाती है। अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू नेविगेट द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी एंड हार्नेस इट्स पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। पूरी दुनिया के पॉलिसी मेकर, बिजनेसमैन और जितने इंडिविजुअल्स हैं अब इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को जो है ना एज ए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी पोटेंशियलिटी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कायम रहे और इससे खुशहाली आ जाए। तो आपको मैं चंद एग्जाम्पल से इसको आगे स्लाइड्स में समझा देता हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एज ए कमोडिटी, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी मेंशन किया कि मतलब जरिया माश बना हुआ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रीटेड एज ए कमोडिटी दैट दैट इज प्रोड्यूस्ड ब्रॉड सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द मार्केट प्लेस। अभी किसी जमाने में इंडस्ट्रियल कम्युनिटी हुआ करती थी, अब इंफॉर्मेशन कम्युनिटी आ गई और मार्केट प्लेस में इसका बड़ा रोल है। इंफॉर्मेशन को जो है ना एज ए कमोडिटी के तौर पे परचेज भी किया जाता है और बेचा भी जा सकता है। दिस इंक्लूड्स टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन के लिए जो जो मंबे है वो है किताबें, जर्नल्स है, डेटाबेसेस है और सॉफ्टवेयर है, एज वेल एज इंटेंजिबल फॉर्मेट सच एज डेटा, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। आजकल जो डेटा होती है या नॉलेज या एक्सपर्टीज होती है, वो भी इंफॉर्मेशन को कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। जैसे कि इससे क्लियर हो गया कि जो कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कि इसी इंफॉर्मेशन को प्रोडक्शन के तौर पे भी और इनोवेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि रिसर्च, डिवेलपमेंट एंड इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं एडवांस कंट्री। इंफॉर्मेशन इंटेंसिव इंडस्ट्री सच एज टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेली कम्युनिकेशन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाई क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी डेट जेनरेट वैल्यूज एंड इन्हांस प्रोडक्टिविटी। और इसी के जरिए से जो ना जो आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी हो, मीडिया हो, टेली कम्युनिकेशन के इदारे हो, ये मुख्तलिफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के ग्रोथ के लिए जो ना इंफॉर्मेशन को एज ए कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल करते। इंफॉर्मेशन मार्केट्स। इंफॉर्मेशन मार्केट्स फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। द मार्केट में ऑफर्स इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मार्केट, ईजी बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज एंड डिजिटल फॉर्मेट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज वगैरह वगैरह। इंफॉर्मेशन को एज ए मार्केट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इसके बायर्स भी है और सेलर्स भी। और ये मार्केट्स किस चीज़ पे मबनी होती है, या बुक स्टोर्स पे होती है, या लाइब्रेरी पे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन मार्केट आप देखे दराज, या आप देखे बहुत सारी चीज़ें जो है ना अमेजोन को देखें। तो इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इसी तरह मुख्तलिफ एजेंसीज है जो कि इंफॉर्मेशन को कमोडिटी के तौर पे सेल परचेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
अब इसकी जो अगली स्लाइड है वो भी इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPRs प्ले क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर क्रिएटर्स एंड ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो चीज इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रोड्यूस कराई जाती है, ऑथर्स के और क्रिएटर्स के जो ना राइट्स को कोई पामाल ना करे, पेटेंट्स, टेली मार्केटिंग, ट्रेड सीक्रेट इनेबल्स इंड्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मोनिटाइज दियर इंटेलेक्चुअल क्रिएशन एंड इंसेंटिवाइज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी मतलब वो उसी तरह जो है ना वो बूस्टअप हो रही है, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं या क्रिएटर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं या ऑथर्स होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, इसको ये प्रॉपर्टी सी ले राइट दी जाती है ताकि उसकी इंफॉर्मेशन को मतलब गैर मुआदेसी तरीकों में इस्तेमाल ना किया जाए जो इसकी वायलेशन। इंफॉर्मेशन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स इनटेंजिबल नेचर एंड नॉन राइवलर्स कैरेक्टरिस्टिक। प्राइसिंग मॉडल फॉर इंफॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विस में वेराई बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज डिमांड, स्केयरसिटी, क्वालिटी एंड कंपेटिटिव डायनेमिक्स इन द मार्केट। आपको पता है इंफॉर्मेशन कि जो प्राइसिंग होती है इसमें भी वैल्यूएशन आ जाती है। अच्छा, ताकि उसको कोई चैलेंज ना करे, क्योंकि ये इंटेंजिबल फॉर्मेट में होते हैं। आपको पता है कि एक फाइल है PDF या दूसरे फॉर्मेट में आ जाती है, और उसको एज इंफॉर्मेशन के गुड्स के तौर पे इसकी वायलेशन किया जाए और उसी से पूछे बगैर, ताकि उसकी जो क्वालिटी को कम्प्रोमाइज किया जाए और डायनेमिक्स मार्केट के खिलाफ जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये भी एक फैक्टर्स है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड इक्विटी, ये भी एक इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि इंफॉर्मेशन जो बनती है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफरिंग इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन द डिजिटल इकोनॉमी। इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोमोशन सोशल इंक्लूजन, रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड्स एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस इक्विटी बेस पे होनी चाहिए, इसकी रसाई हर कौम, हर नजरिए के लोग, हर इतनों के लोग जो है ना, हर रिलीजियस के लोगों को। लेकिन ये है कि अगर इक्विटी ना हो इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन जो है ना बेकार होती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज ये किसके लिए, एजुकेशन के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार के लिए जो मौके दी जाती है, तो ये डिजिटल इकोनॉमी में अपनी मतलब वो कंट्रीब्यूशन कर रही है। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सर इज द बैकबोन ऑफ फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रिटिकल फॉर एनहांसिंग कनेक्टिविटी, फैसिलिटेटिंग कॉमर्स एंड इनेबलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस सेक्टर्स। आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटीज भी आ जाती है, टेली कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स होते हैं। तो इसके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है या ये ऐसे रोल अदा करें जैसे एक बैकबोन के तौर पर इकोनॉमी की बैकबोन में। तो इंफॉर्मेशन की एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उसी के मुताबिक इसको चलाना, और किस लिए कि कनेक्टिविटीज हो, फैसिलिटेटिंग कॉमर्स मतलब आप कॉमर्स में जो ना सहूलियत फराहम करें, इसी तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मुख्तलिफ सेक्टर्स में पहुंचाना, ये भी एक ब्रिज की तरह जो है ना रोल अदा करती है। फिर आज इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज का क्या रोल है? इन लाइब्रेरीज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्ले अ क्रूशल रोल इन शेपिंग ऑपरेशन सर्विसेज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी आर रिसोर्स एलोकेशन। लाइब्रेरी में भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का एक अच्छा रोल हो, और वो रोल ऐसा हो कि वो जो ऑपरेशंस कराते हैं लाइब्रेरीज के, मतलब लाइब्रेरी ऑपरेशन सर्विसेज होते हैं या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अगर ये एक असूल के तहत चलाया जाए तो इसमें लाइब्रेरी को भी बहुत ज़्यादा जो है तरक्की होती है। तो इसमें जो पहला है रिसोर्स एलोकेशन, लाइब्रेरीज मस्ट एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्स इफेक्टिवली टू एक्वायर, मैनेज एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सच एज बुक्स। रिसोर्स एलोकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? बुक्स आ जाती है, जर्नल डेटाबेस और डिजिटल मटेरियल आ जाती है, बजटरी कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस, कलेक्शन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सब्सक्रिप्शन डिसीजन एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट।
आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी का पहला जो काम है रिसोर्स एलोकेशन के लिए बजट होना चाहिए, और बजट किस चीज़ पे ज़्यादा लग जाती है, बुक्स, जर्नल, डेटा बेसिस पे और डिजिटल मटेरियल्स पे। तो ये बजटरी कंसिडरेशन जो है ना एक लाइब्रेरी को इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग के लिए और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए। कलेक्शन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कलेक्शन डेवलपमेंट डिसीजन इंक्लूडिंग सेलेक्शंस एक्विजिशंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना कलेक्शन डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी बड़ा रोल प्ले कर देती है। आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रेलिवेंस कंस्ट्रेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का काम क्या है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज में आपकी कलेक्शन डेवलपमेंट कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि इक्विजिशन में आसानी हो और सिलेक्शन ऑफ मटीरियल में भी आसानी हो। इसी तरह इनको जो ना इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज को भी मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन को बढ़ाया जा सकता है। आखिरी स्लाइड्स है, ये भी लाइब्रेरी से रिलेवेंट है, ओपन एक्सेस एंड ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। आपने देखा होगा आजकल ये टॉपिक जो है ना मुख्तलिफ रिसर्च की जीनत बनी हुई और लोग इस पे अच्छा खासा जो है ना इन्वेस्ट कर रहे कि लाइब्रेरी सपोर्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स एंड यूज ऑफ OER। OER से मुराद ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, टू प्रमोट इक्विटेबल सर्विसेज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर यूजर। आप देखा होगा कि लाइब्रेरी में बजट कंस्ट्रेंट की वजह से लोग अब ओपन एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज पे आ गए। बाय क्रिएटिंग क्यूरेटिंग एंड प्रोमोटिंग ओपन एक्सेस मटेरियल लाइब्रेरीज कंट्रीब्यूट टू अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशनल रिसर्च। अगर ये इनिशिएटिव पूरी लाइब्रेरियां शुरू करें तो ये लाइब्रेरी अपनी बजट को भी अफोर्ड करेंगे और इसकी एक्सेसिबल भी फराहम करेंगे, साथ साथ ये कि सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन भी आ जाएगी, मतलब एजुकेशन पायदार होगा। यूजर फीस एंड चार्जेस, सम लाइब्रेरीज जेनरेट रेवेन्यूज थ्रू यूजर फीस फाइन्स एंड सर्विसेज चार्जेस। आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि यूजर से जो फी लेते हैं या चार्जेस लेते होते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी फॉर सर्विस सच एज डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपिंग इम्पैक्ट यूजर एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी कंसिडरेशन। अगर लाइब्रेरी अपनी इकोनॉमिक को बढ़ाना चाहती तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें यूजर की फीस है, फाइन्स है, सर्विसेज चार्जेस है, या आपने जो प्राइसिंग पॉलिसी रखी हो वो किस चीज़ के लिए, प्रिंटिंग के लिए, फोटोकॉपिंग के लिए, और इसी तरह जो है इंटरनेट सर्विसेज को फराहम करना फीस में। तो इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज कवर हो जाती है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, लाइब्रेरीज इन्वेस्ट इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू एनहांस यूजर एबिलिटी टू लोकेट। अच्छा, जब आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी सर्विस देते हैं इससे यूजर्स की स्किल डेवलपमेंट भी हो जाती है, इसी तरह लाइब्रेरियन की भी हो जाती है, और वो एबिलिटी टू लोकेट में मतलब मटेरियल को लोकेट करने में मदद फराहम करती है। इवाल्वेट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव यूज इसकी तब होगी जब आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी सर्विसेज इनिशिएटिव लेंगे। इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स बजट कम हो तो ये ट्रेनिंग के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, सपोर्ट सर्विसेज के लिए, फिर लाइब्रेरी यूजर्स की जो एक्सपीरियंस है वो इफेक्ट हो जाती है अगर आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी सर्विस एंड स्किल डेवलपमेंट ना हो। कॉस्ट बेनिफिट्स, लाइब्रेरीज कंडक्ट्स कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस टू असिस्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस एंड रिसोर्स। इवॉल्वेटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम सर्विस एंड इनिशिएटिव इनफॉर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एफर्ट्स। कॉस्ट बेनिफिट्स जो है ना लाइब्रेरी में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो चलाए जा सकते हैं ताकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट को जो है ना असिस्ट किया जाए, इसका मतलब तजिया किया जाए। इसी तरह कॉस्ट और बेनिफिट्स लाइब्रेरी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलाबोरेटिव परचेज, लाइब्रेरीज लेवरेज इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स थ्रू रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क एंड कोलाबोरेटिव परचेजिंग एंगेजमेंट। कोऑपरेटिव एक्विजिशन एक्सपेंड एक्सेस टू रिसोर्स फॉर यूजर। आपको पता है कि जो लाइब्रेरियां हैं जो बजट की वजह से हर चीज़ को नहीं खरीद पा रही, तो इसी वजह से रिसोर्स शेयरिंग और कोलाबोरेटिव एफर्ट जो है ना उसको परचेजिंग में भी मदद देती है। साथ ये है कि आपकी रिसोर्स एलोकेशन ऐसे हो कि इंटर लाइब्रेरी नेटवर्क ये होना चाहिए, इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि रिसोर्स शेयरिंग से लाइब्रेरी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इकोनॉमी की वो बजट कंस्ट्रेंट्स वगैरह ये पूरी हो जाती। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी।
मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और फीडबैक से भी नवाजते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।